प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन किराम, पार्शल लॉकडाउन शुरू होने के बाद से जो 4 घंटे की नरमी जो दी जा रही है सुबह, उसमें पब्लिक दिन भर जो पब्लिक फिरती थी चीदा चीदा, वो सारी पब्लिक एक दफ़ा एक वक्त में उमड़ पड़ रही है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग का जो रिक्वायरमेंट है कोविड का, वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। इससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होने का एहतमाल है। कई लोग इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं और फिर पुलिस की तरफ से भी सख्ती की शिकायत वसूल हो रही है। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं जनाब सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब से। बादशाह साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बराए मेहरबानी ये बताइए कि आपके क्या तासुरात है, ये जो लॉकडाउन हुआ है तेलंगाना में, इससे जो है फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, उससे तो फायदा हो रहा है, मगर आपको सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करता हूँ अमजद साहब, बड़ी अच्छी बात करे आप कि सोशल और सामाजिक दूरी जो लिटरल उसके माने देखा जाए तो बहुत ही नेगेटिव वो है। आपने फिजिकल डिस्टेंस कहा, आई अप्रिशिएट दैट। ये जो है वाजे होना चाहिए, लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का अगर आप माने देखा जाए तो सामाजिक दूरी एक ऐसी चीज है कि कोई भी सामाजिक काम से, कोई भी सोशल एक्टिविटी से आप दूर हो जाने के माने हैं इसके। तो इसमें लिटरली जो चाहिए आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग है, और कोविड नॉर्म्स के हिसाब से जो मास्क का पहनना, सैनिटाइजर यूज करना बर वक्त, एहतियाती तदाबीर जो कोविड नॉर्म्स के तहत वक्तन फोक्तन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो जारी किए गए हैं और उसके उसी गाइडलाइंस के पस मंजर जो है रियासती हुकूमत से जो जियोज इशू किए गए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से हो या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से हो, उसको फॉलो करना बड़ी अहम जरूरत है। मगर साथ के साथ जो है पार्शल लॉकडाउन की जो बात आ रही है, मैं देखिए उसको इम्प्लीमेंट करने में इम्प्लीमेंट एजेंसी को तो तारीफ करना चाहिए कि आपने शहर के कोतवाल को, जो हम तो शहर देख रहे हैं, अब स्टेट के लेवल पे भी वही होंगी, तो शहर के अंदर जो जिस तरीके से लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी अपना रोल प्ले कर रही है वो बड़ी खूबी से वो कर रही है। तो मुझे ये की बात का अफसोस होता है कि बास चीजों में जब इरादा नीयत की बात होती है, देखिए आप जब आप नीयत बना लें तो कमिश्नर जो है दे आर मस्ट कैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। मैं यही चाह रहा हूँ कि ऐसे ही गवर्नमेंट ऑर्डर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के भी इशू किए गए हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल के लिए गाइडलाइंस इशू किए गए हैं और जो है उसमें टैरिफ मुकर्रर कर दिया गया है। जहां पर जो है माइल्ड एंड मॉडरेट जो अफेक्टेड पेशेंट्स है और कोविड बिहेवियर के बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे, इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। पहले मैं ये गुफ्तगु मुकम्मल कर लेना चाहूंगा कि बाजार में बैक वक्त लोग बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं और सड़कों पर भी सड़कें जाम हो रही हैं, इस बारे में थोड़ा आप रोशनी डालिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जाहिर बात है, उसको मैं वहाँ आ रहा हूँ था, वो जोन वाइज अगर किया जाता या जो है आपके एसेंशियल कुछ गुड्स के जो है दुकानों को जो है जैसा कि फार्मास्यूटिकल को छूट दी, तो बेसिक जो है ग्रॉसरी स्टोर्स को और जिस तरीके से ऑनलाइन सर्विसेस को ऑन रखा है, जोमैटो हो आपके दीगर जो आपके होम डिलीवरी सिस्टम है, तो उस सर्विसेस को जैसा कि छूट दी गई है उसी तरीके से जो है कुछ स्टोर्स को दिया जाए या जोनल वाइज साउथ जोन ईस्ट जोन वेस्ट जोन ऐसा रियायतें दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ट्रैफिक का, क्योंकि आप जो है एवरीथिंग यू हैव टू डन इन अ गिवन टाइम, तो आप सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का जो टाइम दिए हैं वो टाइम भी कम है और सारे शहर स्टेट के लिए वो टाइम है, और जाहिर बात है उसकी वजह से ट्रैफिक फ्लो जो है बाजार की तरफ जो है काफी बढ़ जा रहा है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो मायने है वो तो बिल्कुल ही फौत हो गए। लोग एक दूसरे के ऊपर कूदते हुए अपना रास्ता तय करना चाह रहे हैं, तो ये जो है दुकानें क्लोज होने के बाद रास्ते में जाने के टाइमिंग्स, ये सारे चीजों में थोड़ा सा जो है वर्किंग पॉलिसी लाना चाहिए। आप 10 बजे बाजार बंद कर रहे हैं तो इसमें रियायत ऑफिशियली हो, डिक्लेयर हो, नॉन डिक्लेयर हो, वो 12-1 बजे तक लोगों को अपनी रिहायश गांव पर पहुंचने का देना चाहिए,
और ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करना चाहिए। जी जी, नहीं बाजार जहां जहां है वहां तो ट्रैफिक बहुत है, काफी ट्रैफिक है, क्योंकि आपका मुकर्रा वक्त को घर को पहुंचना है और जो उसी वक्त में आपके जो भी काम है शॉपिंग वगैरह के वो पूरे करना है। अब जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री को जो छूट दिया गया उसी तरीके से जो है और भी जुमरों को एसेंशियल ग्रोसरी वगैरह ऐसे स्टोर्स और कुछ लोगों को जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें छूट दिया जाए और इतने जो है कम मुद्दत या वक्त में जो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर ये लॉकडाउन हटा के ज्यादा लोगों का जमघट्टे पर पाबंदी रख दी जाए, जैसा कि 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं होना या 25 से ज्यादा लोग कहीं जमा नहीं होना है, या फिर अगर आप संगीन अगर हालात देखते हैं तो 4-5 से ज्यादा लोग एक जगह एक ग्रुप में नहीं दिखना चाहिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना? लॉकडाउन की क्या जरूरत है? आहिस्ता आहिस्ता 144 का जो फार्मूला है उसी तरीके से जो है सेक्शन 44 में जैसा किया जाता उसी तरीके से अगर करा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये आपके 4 घंटे में लोग एक दूसरे पे काफी वो हो रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो रही है, फिजिकल डिस्टेंस तो बिल्कुल ही दूर हो जा रहा है, बल्कि मैं नहीं समझता कि आप किसी किस्म का जो है कुछ फायदा नहीं हो रहा, बल्कि एक आप ऐसी छूट दे दे रहे हैं जिसमें पूरे जो है बिल्कुल कंजेस्टेड वे में ओवरफ्लो हो रहा है ट्रैफिक का, और आप उसके बाद जो है फिर आप जाके अपनी उसमें लॉकडाउन सिचुएशन में चले जा रहे हैं, तो आप उसमें कितने मुतादी हो रहे हैं, कितने जो है वो हो रहे हैं, उसका आप कहां से वो करेंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब आप दवाखानों की तरफ आइए, आप टैरिफ के बारे में कुछ बता रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन का आपने बड़ी खूबी से जब आपने नियत किया इरादा किया तो बड़ी खूबी से जो है आप उसको इम्प्लीमेंट करें। लाइसेंसिंग एजेंसी अपना खूबी रोल निभा रही है और वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इससे गवर्नमेंट के काफी ऑर्डर्स निकले के बिहेवियर पेशेंट्स और पूरे जो है टैरिफ्स कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, इसको इंप्लीमेंट करने की कोई एजेंसी क्यों काम नहीं कर रही? व्हाई देयर इज नो एग्जीक्यूशन, व्हाई देयर इज अ जीरो एग्जीक्यूशन ऑन दिस गवर्नमेंट? एक खासियत है, एक तरफ इंप्लीमेंट करने में बड़े खूबी से निभा रहे हैं। जी जी खबर है कि आज केटीआर साहब ने अहकाम जारी किए। आप लॉकडाउन के एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर में यू आर परफेक्टली गुड, यू आर मैनेजिंग योर ऑर्डर्स एंड एग्जीक्यूटिंग, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वाई ऑन द अदर साइड व्हेन यू हैव अ ब्यूटीफुल ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ऑन अ पर्टिकुलर टैरिफ, देन व्हाई देयर इज नो एग्जीक्यूशन ऑफ दैट ऑर्डर, व्हाई देयर इज पुअर इम्प्लीमेंटेशन? आप क्यों खासिर है ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए? भाई यहाँ तो जो आदमी मर रहा है बिल से मर रहा है दवाखाने के, जहां इस्तेसाल हो रहा है, आप जो है इंजेक्शन की फराहमी हो इस पे कंट्रोल नहीं है आपका, आपका कंट्रोल डुप्लीकेट, आप उनको पकड़े, ब्लैक मार्केटर्स को पकड़े, तो आप इसको फराहम करने में रोल क्यों प्ले नहीं कर रहे हैं? आप जो है आप वैक्सीनेशन का चैलेंज है आपके सामने, आप ग्लोबल टेंडर कॉल करिए, पब्लिक डोमेन में अपडेट करिए डेली, आप क्यों वैक्सीनेशन का ग्लोबल टेंडर कॉल नहीं कर रहे हैं? और पब्लिक डोमेन में टेंडर का जो भी आप फख्तन फोख्तन जो भी आपको जो है टेंडर्स आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको पब्लिक डोमेन में ऑनलाइन आप अपडेट करिए। पब्लिक टेंडर का तो अपने डोमेन एक बड़ा है स्टेट के लिए। जी जी, आपने जो बात की है कि टेंडर कॉल करने के लिए वैक्सीनेशन का, तो लास्ट में जो मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर साहब की, तो उन्होंने जो है ग्लोबल टेंडर कॉल करने की बात तो की थी मगर उसका अपडेट नहीं आया है, शायद इसी वजह से कि वो पब्लिक डोमेन में अपलोड नहीं किया गया है, एक तो ये, दूसरे ये कि किसी रिव्यू मीटिंग होती तो वो खुद एक काफी वी ट्रीट हिम एज ए गुड स्कॉलर आल्सो, उनका बुतायला भी अच्छा है, उन्होंने हमेशा जो है अच्छे सजेशंस बोलते, ही टॉक वेरी हमेशा हमारे स्टेट की जब बात होती तो हमारे स्टेट को फौकियत है और हमारा स्टेट सबसे बेहतर है की बात होती, आज कहां है?
आंध्र प्रदेश में क्या फैसिलिटीज मिल रहे हैं, जगन क्या दे रहे हैं, गौर करिए आप। आप केरला को लीजिए, किसी भी आदमी का पॉजिटिव रिपोर्ट कर लीजिए, गवर्नमेंट इज टोटली टेक केयरिंग ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ तो भाई प्राइवेट हॉस्पिटल के पैर पड़ते भाग रहा आदमी। अभी आप गवर्नमेंट ऑर्डर की टैरिफ की क्या बात करेंगे, हो भाई एडमिट कर लो की बात कर रहा है। आपके देखिए आपके यहाँ कितने होटल से AIG वाले ने रेडिसन होटल लिया, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वालों को होटल्स मिल गए। आप देखिए गच्ची बोली पे एक एक आदमी के बिजनेसमैन के काफी जो है 2,000, 3,000, 4,000 जो है सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, उनके रूम्स हैं वहां पर सर्विस अपार्टमेंट के तौर पे यूज हो रहे हैं, वो खाली पड़े हुए हैं, OIO के जरिए बुकिंग होती। ये सारे रूम को जो है आप क्यों नहीं आप ले लेते, गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स को क्यों नहीं लेते, आप कह रहे रेजिडेंशियल स्कूल्स के बिल्डिंग्स खाली पड़े हुए हैं, कुछ लिए आप महबूबनगर वगैरह, आप वो बिल्डिंग्स को लीजिए जहां पर जो है बेड्स वगैरह ऑलरेडी है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम करना है, आपके माइल्ड एंड मॉडरेट एंड बिहेवियर पेशेंट्स को तो आप अच्छा करके भिजा सकते। आदमी दवाखाने की सीढ़ी चढ़ने के बाद या घर बिकरा या वो आदमी रहन हो जा रहा और या वो हैबत से बिल के मर जा रहा हो, तो ये दो चीजों से पहले बचाइए। और दूसरी चीज जो है अजला में देखिए, आज भी अजला में उपाधि हामी स्कीम चल रही, 245 रुपए पर हेड आप लेबर को दे रहे हैं डेली वेजेस। भाई यहाँ पर जो है आपके ऑर्डर्स यहाँ पर भी है, आप क्यों नहीं करते? और आप उन लोगों को आप देखिए ना, वो नालों की निकासी और सफाई वगैरह जो है उसके लिए यूज करते। आज आपको जो है GHMC का टोटल गार्बेज सिस्टम फ्रैक्चर्ड हो गया, आप इन लोगों को एंगेज करिए क्लीनिंग में, इनको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है वो, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज के तहत वो बजट है, आप उसको स्टेट के डिस्पोजल पे है। ग्रामम और जो है मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिस वाले इसको सारे डिस्ट्रिक्ट में अजला में यूज कर रहे हैं और वहां पर पूरे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, तो इसी तरीके से वो इंप्लीमेंट करिए। भाई यहाँ पर भी हॉकर्स, बंडी पे रोज कमाने वाला, रिक्शे पे कमाने वाला, ये सारे बेरोजगार होकर मर रहे हैं ना, उनको तो बचाइए। और दूसरे देखिए आप सबसे बड़ा वैक्सीन क्या है इस बीमारी का, बताइए, इंप्रूव द इम्यून सिस्टम। हाउ टू इंप्रूव द इम्यून सिस्टम, यू शुड हैव द माल न्यूट्रिशन, सेव द सिटीजन फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, दे शुड हैव प्रॉपर फूड। अगर आदमी जो प्रॉपर देखिए इसमें जो है कौन सा तबका मर रहा है, आप देखिए किसी बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े लोगों को जो है किसी को माल न्यूट्रिशन किसी चीज की वो नहीं है, कोई इसमें जरूरत में नहीं आ रहा। आपके जो है बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको कोई भी जो है खाना कहीं से भी पेट भर दे दे। आप रहा एवरेज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो आप अंदाजा लगाइए हमारा जो हैदराबाद शहर है वो एक टेक्नोक्राफ्ट का जाना जाता है। सिटी में एक आपके हैंडीक्राफ्ट और आपके जो है ज्वेलरी दुकान के बाहर बैठ के क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग करने वाला 2,000 घर को दे लिया था और सारे दो एक्सपेंसिव रहते उनके, आज दूसरे दिन के 2,000 जब कमाएंगा तो खर्च करेगा। ऐसे लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, ये खुद ब खुद ही मर रहे हैं, इनका डेटा कौन कलेक्ट करने वाला है? आपके फार्मर्स की बात आती है तो उसका स्टैटिस्टिक आता है, ये कौन ले रहा है डेटा, बताइए आप, ये जो मर रहे हैं। आपने जो दो जो है तबकों का जिक्र किया है, एक तो सोने के जेवरात को चमकाते हैं या फिर जो है अपने ज्वेलरी की शक्ल में ढालते हैं ऐसे लोगों की, या फिर आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की खातिर ही मैं कह रहा हूं कि लॉकडाउन को हटाना चाहिए और फिर जमगट्ठा होने से जो है पर पाबंदी लगानी चाहिए। बिल्कुल बजा है, इस पे गवर्नमेंट गौर करना चाहिए जी। और इसके अलावा आपने जो सर्विस अपार्टमेंट को टेक ओवर करके उसको कोविड सेंटर में तब्दील करने की जो बात की है, क्या अब इस वक्त इतनी हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि मौजूदा जितने भी प्राइवेट और दवाखाने हैं, हुकूमती सरकारी दवाखाने हैं, क्या ये पूरे दवाखाने फुल हो चुके हैं, क्या बेड्स अवेलेबल नहीं है? सबसे ये माइल्ड एंड मॉडरेट जो लोगों की बात हो रही है, इन लोगों को आप KCR साहब ने बड़ी अच्छी उसके प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स की तजवीज से और पैनल से प्रिस्क्राइब करवाया होगा, जो उन्होंने जो लिस्ट बनाई है, आपके DP हो, आपके विटामिन सी हो और एजिथ्रोमाइसिन हो, डीगर जो दवाओं की लिस्ट बनवा के किट जो दे रहे हैं वो बजा है। ये लोग जो है नेचुरली होम क्वारंटाइन वालों के लिए है, मगर जो मुझे बताइए एक फैमिली में 5 लोग एक कमरे में गुजार रहे हैं और वो दवाखाने से डर के नहीं जा रहा। इन लोगों को अगर आप रिहायश दे दें, इनको होम क्वारंटाइन सिचुएशन की अगर ये बिल्डिंग्स को अक्वायर करके दे दें, गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स में दे दें, तो वो जाहिर बात है उसकी फैमिली और बच्चे कंटीजियस
उसमें जो है आने से महफूज हो जाएंगे ना। आप बताइए ये कहां एक कमरे की जिंदगी गुजारने वाला आपकी मेडिसिन की किट ले लेगा, आप कोई मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी ले लेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर भी कोई दे देंगे ला लेगा, मगर जो है वो बेचारा जो है फिजिकल डिस्टेंस कहां से मेंटेन करेगा। ठीक ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मगर ये जब क्वारंटीन में चले जाएंगे तो ये बिल्डिंग्स को एक्वायर करना बहुत जरूरी है, तो इसमें नर्सिंग का अमला भी होना चाहिए क्या? जाहिर बात है मोस्ट ऑफ द पैरामेडिकल स्टाफ का ही रोल है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप दुनिया के कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये आमतौर पे शिकायत ये है कि सरकारी दवाखानों में ये जो पैरामेडिकल स्टाफ है या फिर नर्सिंग स्टाफ है ये लोग ठीक से टेक केयर नहीं कर रहे हैं पेशेंट्स की। देखिए गवर्नमेंट, देखिए आप ये बताइए कि ये कोई साइंस एजुकेटेड या प्रोफेशनल कोर्सेस करे हुए लोग तो नहीं है ना पुलिस का अमला, ये एक जो है ट्रेनिंग किया हुआ होता है पुलिस की, मगर वो जो है कितनी रूबे अमल ला रहा है लॉकडाउन को, कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये तो जो है देखिए जो साइंस के एजुकेटेड लोग हैं उस जुमरे से पढ़े हुए हैं नर्सिंग के हो, इनको क्या गवर्नमेंट एजुकेट वो नहीं कर सकती रूबे अमल लाने? इन जो पढ़े हैं ये भी तो हलफ लिए हैं व्हाइट कोट पहनने से पहले, तो इनको भी तो है इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कर सकती है ना। और मैं बोलता हूँ ये, और एक चीज आपको डाइवर्ट हो रहा है, हमारे स्टेट को सबसे बड़ा सौतेलापन क्यों मरकज से हो रहा है वो पूछना चाह रहा हूँ मैं। आप गौर करिए तमिलनाडु में फ्लड्स आए थे 2015 में, 1000 करोड़ से शुरू हुआ, उन्होंने 76,000 करोड़ पीड़िता पूछी थी उस वक्त जो है माजी चीफ मिनिस्टर वो मैडम है, क्योंकि जो है अब्बा की पार्टी की बीजेपी, तो उन्होंने अपने बच्चे को दे दिया 5,000 करोड़ से ऊपर की लगभग पैसे फ्लड्स के, उसमें दो ओकेशन पर 2018 में भी। तो आप बताइए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जहाँ उनके कवानीन तो पूरे जो है अब्बा का ऑर्डर बोल के हर स्टेट मानता है, तो हमारे स्टेट को क्यों नहीं देते? हमारा जीएसटी कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, तो ये हमारे को सेंट्रल से मदद क्यों नहीं मिल रही है? बिल्कुल सही, सेंट्रल से हमको खातिर का मदद मिल रहा ना, हमको स्टेपसन का ट्रीटमेंट क्यों करे जाते हैं? ये वहां जहां पर बीजेपी की हुकूमत होंगी वहीं मदद करेंगे क्या? सिटीजन, इंडियन सिटीजन ऑल ओवर द कंट्री है ना, इन्हें ये तेलंगाना गवर्नमेंट में क्या केस को नहीं देंगे? नौबत यहां तक आ चुकी है, मरकजी हुकूमत अपनी पार्टी के जेरे हुकूमत स्टेट्स को भी मदद नहीं कर रही है, चुनांचे वो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स कानूनी चाराजुई कर रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन दी जाए, ऐसा भी सुनने में आया है। जी जी जी, तो इतनी बद से बदतर हो चुकी है हालत, जब डिजास्टर में फेल होती है गवर्नमेंट तो आप अंदाजा लगाइए कितनी शर्मनाक बात है। आपने डिजास्टर का एक्ट पढ़िए, डिजास्टर के तहत आपको कितने चीजें वो है, आज हम लॉकडाउन सर आंखों पे डैडी का ऑर्डर अब्बा का ऑर्डर बोल के मान के घर में बैठ रहे हैं, बेरोजगार भी होके बैठ रहे हैं लोग, तो ये डिजास्टर के अंदर जो है आप अगर जब सिटीजन्स को उनके राइट्स नहीं दे सकते, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, मगर ये केरला में कैसा भाई इतना, देखिए वहां सिर्फ मालूम होता है तो गवर्नमेंट टेक केयर कर लेती है, बंदे को उठा के आती है अच्छा करके नेगेटिव होने के बाद लाके छोड़ती है, तो वो वहां पर है। और यहाँ पर उनके ये यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर भाई जगन मोहन रेड्डी साहब का जो ऑर्डर है वो आंध्रा में कैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी जो है हमारे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के जो राजुडू हैं केटी रामाराव गारू, ही इज आल्सो एंथुसियास्टिक यंग एनर्जेटिक लीडर एंड ही इज अ वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनको सारे अख्तियारात है, तो हमको उनसे बहुत उम्मीद है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ लाया है, तो अब सेविंग एसओएस सिचुएशन में है हम, यहाँ पर भी कोविड केस में वो कर ले तो बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ऐलानात बहुत अच्छे करती हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है, ठीक उसी तरह केटीआर साहब ने भी प्राइवेट दवाखाने अगर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो उनके बारे में रिपोर्ट करने के लिए कहा है, अब देखते हैं किस तरह से प्रोग्रेस होता है, आवाम को राहत मिलती है या नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीबीएन चैनल से बात करने का। तो नाज़रीन आज का एपिसोड यहीं तक, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है, शब बख़ैर।